नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल की फिल्म दुल्हन गंगा पार के फिल्म ऐसी है जिसे इंतज़ार करते करते सालों बीत गए, लेकिन फिल्म के बारे में हमेशा डेट टलती गई। रिलीज डेट्स कई बार सामने आती थी लेकिन हर बार टल जाती थी, लेकिन आज इस फिल्म का ट्रेलर हो चुका है रिलीज़ और ख़त्म हो चुका है दर्शकों का इंतज़ार, क्योंकि अब रिलीज़ हो गया है ट्रेलर। तो जाहिर सी बात है फिल्म भी जल्द ही रिलीज़ होगी, तो ट्रेलर तो आप लोग देख ही लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस फिल्म से जुड़ी ये खबर भी देख लीजिए। देखिए, भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग खत्म हो चुकी है। ये बात तो आप सभी को अच्छे से पता है, लेकिन आप सभी खेसारी लाल यादव की इस फिल्म का पहला लुक सामने आया है, जिसे फोटो में खेसारी लाल यादव का एक्शन लुक देखने को मिला है। साथ ही वे दूसरी तस्वीर में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप सभी को बता दें कि खेसारी लाल यादव के इस साल फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और खेसारी खुद भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और फिल्म के टीम की तरफ से ये बात साफ कर दिया गया है कि वो फिल्म की ट्रेलर जल्द ही रिलीज करेंगे। साथ ही आप सभी को बता दें कि खेसारी की यह फिल्म के साथ साथ एक फिल्म की और भी चर्चा बढ़ते जा रही है, जो फिल्म का नाम है डमरू, और वो फिल्म जल्द ही रिलीज हो जाएगी। दबंग सरकार की शूटिंग पूरी हो चुकी है, इस फिल्म में भी खेसारी लाल यादव हैं, जिसकी तस्वीरें अब होने लगी हैं वायरल। आप लोग इस तस्वीर से जुड़ी कई सारी खबरें देख चुके होंगे। हर तस्वीर में किसी में खेसारी की नई नई हीरोइन काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो किसी में खेसारी बहुत एक्शन अंदाज में नजर आए हैं, तो कहीं अपनी हीरोइनों के साथ इमोशनल भी नज़र आए। फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी इस फिल्म में दिखाई जा रही है, जिसकी पारिवारिक जिंदगी से लेके प्रोफेशनल लाइफ और पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी से परिपूर्ण ये फिल्म होगी, और कैसे कोई अपने फ़र्ज को निभाता है ये सब इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इसकी इस फिल्म से जुड़ी तस्वीर पर एक खास खबर हम भी आपके लिए ले आए हैं, देखिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट जोड़ी में से एक नाम हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ का और आम्रपाली दुबे का माना जाता है, और हर किसी भोजप्रिय दर्शकों को ये जोड़ी काफ़ी पसंद है। लेकिन आज हम आप सभी को इस जोड़ी से जुड़ी एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प है। जी हाँ, आम्रपाली और निरहुआ जिस समय पर फिल्म में एक साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, और आम्रपाली निरहुआ जी का जहाँ आम्रपाली का एक साथ काम किया जाता है तो वो आप सभी को उनकी फिल्म बम्बा बोल रहा है काशी और काशी अमरनाथ तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन के बैनर तले उस फिल्म को बनाया था। तो आज सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ की एक और फोटो भी वायरल हुई है, जिस फोटो में निरहुआ और आम्रपाली के साथ बॉलीवुड के खास हीरो जितेंद्र भी उनके साथ मौजूद हैं। उनकी ये फोटो के बाद खबर ये भी आ रही है कि आम्रपाली निरहुआ अब उनके साथ भी फिल्म काम में काम करेंगे। निरहुआ और आम्रपाली बॉलीवुड के जितेंद्र के साथ दिखाई दिए हैं। जितेंद्र के साथ निरहुआ आम्रपाली के वायरल तस्वीर को देखते ही अलग अलग कयास लगना हो चुके हैं शुरू। हालांकि हो सकता है कि खाली मिलने के लिए निरहुआ आम्रपाली गए हों, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। कैसे, देखिए। बॉलीवुड में अपने नाम की एक अलग पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भोजपुरी में भी जो फिल्म का निर्माण किया है वो दोनों फिल्में भोजपुरी की हिट लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। और अब प्रियंका आगे और भी कई नए सुपरस्टार के साथ फिल्म से भोजपुरी फिल्में बनाना चाहती हैं, और उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। अपने प्रोडक्शन हाउस प्रॉपर पेवल पिक्चर्स के जरिए क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा का प्रयास कर रहे अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा अब फिल्मों में प्रवेश पाने की इच्छुक प्रतिभाशाली कलाकारों की मदद करने वाली हैं। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि अपना वितरण दर्ज और करें, और अगर आप हमारे किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए सही होते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसका मकसद एक मंच उपलब्ध कराया गया है जहाँ प्रतिभा को तैयार किया जा सकता है और उसे आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा सकता है। डॉक्टर मधु चोपड़ा ने कहा कि संभावनाएं बहुत है लेकिन अवसर पर्याप्त नहीं। मधु ने अपनी बेटी और पूर्व विश्व सुंदरी प्रियंका के बारे में कहा कि बॉलीवुड में शुरुआती दिनों में प्रियंका के पास भी कुछ ऐसी ही ऑफर आए थे।
अगली खबर प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई है। प्रियंका ने अभी तक जितनी फिल्में बनाई हैं सब में निरहुआ नजर आए हैं। दो फिल्में बनाई हैं और दोनों में निरहुआ को कास्ट किया, लेकिन अब प्रियंका का जो इंटरव्यू देखने को मिला है उसमें प्रियंका ने कहा है कि अब मैं कोई भी भोजपुरी फिल्म बनाऊंगी तो उसमें नए नए कलाकारों को काम दूंगी। इससे एक फायदा ये होगा कि बाकी के कलाकार भी अस्तित्व में आएंगे और इंडस्ट्री को जो फायदा होगा सो अलग। लेकिन फिलहाल आप देखिए प्रियंका के जो इंटरव्यू हुए हैं भोजपुरी फिल्म को लेकर, उसी से जुड़ी एक खास खबर हम आपके लिए ले आए हैं, देखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन में एक और नाम सामने आ चुका है, वो है चांदनी सिंह का। और चांदनी ने पहली बार मीडिया के सामने भोजपुरी गानों को गंदा कहने वालों को जवाब दिया है। जी हाँ, नहीं। अच्छा एक बात और पूछनी है, अभी तो काफी साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जब आप आई होंगे तो उस समय उस तरह से माहौल नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके मन में कुछ डाउट था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, फैमिली को या आपको खुद को, कि आप बहुत खुली थी कि हाँ कोई बात नहीं आना है काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजपुरी में भी अच्छी मूवी बनती है और पहले भी बनती थी, लोगों का नजरिया होता है देखने का, और हिंदी में इससे भी ज्यादा खराब होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी खराब होता है, भोजपुरी बहुत ही अच्छा होता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है और हमारे फैंस सब भोजपुरी से ही रिलेटेड हमें पसंद करते हैं, तो हमारे लिए भोजपुरी बहुत अच्छा है, हिंदी नहीं। अच्छा डांस कर चांदनी सिंह, जिनका भोला भाला चेहरा, अंदाज और डांस लोगों को हमेशा भाता है, लोगों को हमेशा आकर्षित करता है। चांदनी ने हाल ही में अपने गाने को लेकर और अश्लील गानों को लेकर, मतलब ऐसा जो कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लील गाने बनते हैं, अश्लील फिल्में बनती हैं, उस पर एक पलटवार किया है बड़े कातिलाना अंदाज में। कैसे देखिए। भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव की साल 2017 से पहले भी चर्चा में रहने वाली फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज होने की खबर कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है, लेकिन आज फाइनली खेसारी की इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने की डेट पक्की हो गई है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। आप सभी को बता दें कि खेसारी लाल यादव की आने वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक है, क्योंकि इस फिल्म में उनकी बेटी कृति यादव भी काम कर रही हैं, जिन्होंने इस फिल्म में एक दमदार अभिनय किया है और हर किसी को इस फिल्म को आने का बेसब्री से इंतजार था। और आज इस फिल्म का ट्रेलर शाम को 6 बजे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। यह एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें खेसारी लाल यादव एक गंभीर अभिनय निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं फिल्म में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वहीं आम्रपाली दुबे ने इस फिल्म में स्पेशल एक सॉन्ग भी शूट किया है। दरअसल चांदनी हाल ही में एक फिल्म के मुहूर्त में पहुंची थी, लाल रंग की साड़ी में बड़ी खूबसूरत लगी, और तभी उन्होंने अश्लील फिल्मों पर, बयानों पर और ऐसे तमाम बातें की। खैर, ये थी आज की सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास खबर और सुपरस्टार से जुड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।
नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।